भिवाड़ी में इन दिनों एटीएम धारकों के खाते से अपने आप रुपए कटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग एटीएम मशीन से पीड़ित होकर कई महीनों तक बैंक और थाने के चक्कर लगाने को मजबूर हैं और थक हार कर अपनी किस्मत को कोसते हुए सब्र करने लगते हैं। लेकिन भिवाड़ी के रामपुरा के पास स्थित एक कॉलोनी में रहने वाली कुमकुम देवी ने हार नहीं मानी और 8 अप्रैल से रोजाना बैंक के चक्कर लगा रही है और बैंक कर्मियों से परेशान होकर आज उसने भिवाड़ी फूलबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कुमकुम देवी आज की महंगाई के दौर के चलते अपने पति की मदद के लिए भिवाड़ी में ही एक फैक्ट्री में काम करती है, जिसकी 8,000 रुपए तनख्वाह यूनियन बैंक में आती है, जिसे निकलवाने के लिए कुमकुम देवी अपने पति के साथ एटीएम गई, जहां उसने पहले अपना बैलेंस चेक किया जिसमें 8,200 रुपए की रसीद निकली और अगले ही पल जब उसने 8,000 रुपए निकलवाने के लिए राशि मशीन में भरी तो खाते में रुपए नहीं होने के साथ सोरी की रसीद मिली। आनन फानन में पति पत्नी बैंक गए, जहां रुपए निकलने की बात कही। अपने पूरे महीने की मेहनत की कमाई को पल भर में जाते ही उनके परिवार में भूचाल सा आ गया। कुमकुम देवी की माने तो वह पूरे महीने की कमाई पल भर में जाते ही उसके परिवार में संकट आ गया है। हालांकि भिवाड़ी फूलबाग थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ था? पैसे बैंक से एटीएम से हम निकाल रहे थे और मेरे 8,000 रुपया एटीएम से कट गई और मेरे आदमी 8,000 रुपया निकालने गए थे, कट गई मेरी 8,000 रुपया और मेरे घर में तो खाने की लाले पड़ी है। लड़के के 1 हफ्ते बाद पैर टूट गई, उसकी इलाज के लिए पैसे नहीं है और फिर मेरे को कोई बैंक से जा रही हूँ, वो बोल रहे हैं नहीं हम नहीं जानते हैं, जाके पुलिस में दर्ज लिखाओ, कुछ भी करो, ये हम नहीं जानते हैं, हमारे पास तुम्हारा पैसा नहीं है। कितने दिन हो गए? मेरे को आज 8/4 की कटी है, आज हो गई एक महीने।